हम पूरी मदद करेंगे तुम्हारी और पूरी केयर करेंगे, घबराना नहीं। सोनी साहब हम आपकी पूरी मदद करेंगे, मुझे जैसे ही जानकारी में आया हम तुरंत आए, घबराना नहीं है। जो घटना है इन ये जो बहन है इसके 4.5 माह का गर्भ था, इसके पेट में दर्द हुआ, पेड़ू में बता रही है वो, हमने इसलिए हम अपनी मिसेज को लेकर आए कि वो बात कर पाएंगी। तो वो सिविल में इंजेक्शन लगवा करके अपने घर गई तो उसको फिर दर्द महसूस हुआ, तो रिक्शे से झलकारी बाई के लिए आ रही थी वो, और अभी डिलीवरी ड्यू नहीं थी, केवल 4.5 माह का गर्भ था, प्री मेच्योर रिक्शे पर ही उसकी डिलीवरी हुई है। और हमने पूरे दाई को बुला लिया था, जो दाई को बुला लिया था, और पूरी केयर हम लोग करेंगे, दवाई का खर्चा सब कुछ हम लोग उठाएंगे और कोई दिक्कत ना हो। और इसमें जो एम्बुलेंस की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया, मैंने देखा है, हमने एम्बुलेंस की जांच के आदेश दिए हैं, जरा भी अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, उनको हम कड़ा से कड़ी सजा देंगे, कड़ा सबक सिखाएंगे। और प्रदेश में सभी बहनों को अच्छा इलाज मिले हमारी जिम्मेदारी है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई हमने प्रमुख सचिव से जांच करने के लिए कहा है, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल बेटी सुरक्षित है और उनको कोई लाइफ थ्रेट नहीं है, बात भी कर रही हैं और उनको जो है दवाई इंजाम सब किया गया है। अभी जो प्रेगनेंसी थी वो 4.5 माह की थी, और ये 5वां बच्चा था, 4 बच्चे इनके पहले से हैं, और ये जो प्रेरणा केंद्र उसके पीछे इनका अस्थायी आवास है, किराए पर वहाँ रहते हैं। मुझे बताया गया है, मुझे बताया गया है, और पूरे प्रकरण के जांच के आदेश हमने दिए हैं। सिविल अस्पताल में उनकी भी भूमिका की जांच होगी, और कैसे किन परिस्थितियों में घटना हुई है पूरी जांच होगी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम कड़ी से कड़ी। महिला पूरी तरह से स्वस्थ है और उनके पहले से 4 बच्चे हैं, अभी उनसे भी हमने बात किया है और नम्रता ने भी बात किया है, और हम पूरे प्रकरण की जांच के आदेश हमने दिए हैं। बैकुंठ धाम जा रहे हैं। कौन है आप, किसके साथ जा रहे हैं? हमारे मंत्री भैया, हमारे ब्रजेश पाठक जी। ठीक है, ब्रजेश पाठक आज उस महिला से मिलने पहुंचे जिन्होंने सड़क पर प्रसव की जिनका हुआ था। सर आज आप पहुंचे मिलने, क्या कुछ है? पूरी घटना के जांच के आदेश दिए हैं, पूरी बात मैंने आपको बताई है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ब्रजेश पाठक थे जो अपनी पत्नी के साथ आज झलकारी बाई अस्पताल पहुंचे, क्योंकि राजभवन गेट नंबर 13 के पास महिला का प्रसव हुआ था। इस दौरान तमाम जो राजनीतिक संगठन हैं, विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने सरकार पर भी हमला किया था। फिलहाल अब महिला सुरक्षित है, प्री मेच्योर डिलीवरी थी, जो दाई थी उसने 20 सड़क पर यह डिलीवरी कराई थी। अब ब्रजेश पाठक यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ महिला को देखने आए थे। इसके अलावा इस पूरे मामले में जांच भी बैठा दी गई है, प्रमुख सचिव को ये जांच दी गई है कि आखिर 1 घंटे के बाद जो एम्बुलेंस पहुंची थी क्यों पहुंची थी, इसकी जांच अब प्रमुख सचिव करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।